तो कुछ ऐसा है घर का नज़ारा दिन में और रात में कुछ इस तरह से दिखता है ये घर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारे नए रूम से रिलेटेड। अभी अभी हमने रूम चेंज कर दिया है, पुराने रूम पर भी मैंने वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखना। फिलहाल चलो आपको नया रूम घुमाता हूँ, कहाँ पर है, कैसा है। अच्छा, इस बार हम लोग सोसाइटी में रूम लिए हैं। अब ये सीधा चला गया शहर की ओर ये रास्ता, और हमारी सोसाइटी का नाम है गंगा निकेतन, ये यहाँ पे लिखा है बोर्ड, और इधर की ओर है। और जो पिछला रूम था हमारा वो काफी घनी आबादी में था, और ये वाला काफी अच्छे जगह में है, सोसाइटी में है, शहर से मतलब कि आउटर सा लगता है। बढ़िया शहर इधर की ओर काफी घनी आबादी लगता है और इधर कम घना आबादी है। जैसा कि देखो, ये रोड हमारी सोसाइटी के लिए ही जा रहा है, और इधर पे देखो अभी तो फसल लगने वाला है, इसमें शायद लग गया है, बाद में हरियाली काफी हो जाएगा। और देखो इधर कोई घर वर नहीं है, सीधा सोसाइटी में जाएगा ये हम लोग का गेट। ऐसा जंगल जंगल, मतलब जंगल जंगल तो नहीं है, बढ़िया हरा भरा होते हुए, और इधर की ओर है ये सोसाइटी। ये देखो ये मेन गेट है, यहाँ से वही अंदर जा सकता है जो यहाँ पर रहता है, बाकी लोगों के पूछताछ करते हैं। ये गार्ड भैया खड़े हैं यहाँ पर, और ये गार्ड 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। तो फाइनली सोसाइटी के मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सब लोगों का घर बना हुआ है किनारे किनारे पे। अच्छा मैं बता दूँ, हम लोग यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं, घर वगैरह हमने नहीं खरीदा है, यहाँ पर रेंट पे भी मिलता है रूम वगैरह। और ये रहा साइट ऑफिस, किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है तो वो इधर कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये रहा सामने का 2 मंजिला मकान, जिसके 1 मंजिल में हम रहते हैं। तो अंदर जाने से पहले गाड़ी बाहर ही खड़ी कर देते हैं। तो गाड़ी अभी मैंने पार्किंग में खड़ी कर दी है अपनी। तो कुछ ऐसा है घर का नज़ारा दिन में और रात में कुछ इस तरह से दिखता है ये घर। अब यहाँ पर 2 फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। और जैसा वो फर्स्ट फ्लोर है घर, वैसा ही सेम नीचे का भी है, 2 BHK टाइप का। तो चलिए ऊपर का मैं दिखाता हूँ, सेम वैसा ही नीचे का है। अब नीचे जब कोई आएगा किराए से रहने तब वो भरेगा, बाकी फिलहाल हम तो ऊपर रहते हैं। तो चलते हैं घर के अंदर। ये रहा सामने गेट, और यहाँ यहाँ पे छोटा सा पोर्च टाइप का है, छोटा सा नहीं है, बड़ा सा है, यहाँ कार भी पार्क हो सकता है, लेकिन पार्किंग हो गया बाहर है तो हम लोग बाहर पार्क करते हैं। और यहाँ से पंप वगैरह स्टार्ट करने का, और ये रहा सीढ़ी। तो चलते हैं सीढ़ी से ऊपर। तो कुछ ऐसा है बालकनी हमारा। देखो मम्मी अभी कपड़ा वपड़ा धुल रही है, क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन लगा नहीं है हमारा, अभी अभी आए हैं। और ये ऐसा है बालकनी का नज़ारा। इधर पे पहले बहुत सारा बॉक्स वगैरह कार्टून वगैरह था, जो मैं खोल खाल के सब सेट कर चुका हूँ, वो नहीं दिखा पाया वीडियो में क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये हमारा स्टैंड, और ऐसा है बालकनी से बाहर का नज़ारा। देखो मैं उधर से आया था कार से, और इधर की ओर ये देखो कार खड़ा है हम लोग का, मैं वहीं से थोड़ी देर पहले वहीं से वीडियो बना रहा था। और इधर से कुछ ऐसा दिखता है बालकनी, और मम्मी जो है साफ सफाई में लगी है। काहे बहुत वीडियो बना लिया, सीधे साधे कपड़े ऊपर लेके ये कपड़ा मुझे छत में लेके सुखाना होगा। तो और ये है छत का सीढ़ी, इधर से छत में जाते हैं। चलो छत भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं अभी घर के अंदर। वैसे घर अभी पूरी तरह से सेट नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग सामान खोलते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं उसके जगह पर। और इससे पहले मैंने बहुत सारा सामान खोल चुका हूँ, उसका वीडियो मैं बनाना चाहता था, पर क्या है वीडियो बनाने के चक्कर में काम बहुत आराम से हो जाता था, इसलिए उन सबको मैंने सेट वगैरह करके सब कुछ उनके जगह पर रख दिया। अभी और सामान है जो कुछ खुलने वाले हैं, तो उनका वीडियो हो सकता है आते रहेगा। फिलहाल चलते हैं देखो घर के अंदर। ये रहा, अब अंदर क्या है कि कमरे वगैरह जो है ना मेन लेंस में सूट नहीं हो पाते अच्छे से, इसलिए मैं अल्ट्रा वाइड का यूज करता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो हो गया, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो चलते हैं अब घर के अंदर। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है नेट, मस्कीटो नेट, जो पहले भी दिखा चुका हूँ मैं। और ये 2 BHK टाइप का घर है, मतलब कि एक हॉल है, 2 बेडरूम है और किचन है, इसके अलावा और भी थोड़े बहुत स्पेस है। तो जैसा अंदर आए तो ये इधर पे विंडो बड़ा सा, इधर पे टेबल वगैरह लगा है, और ये हॉल बहुत बड़ा है ऐसे, मतलब गहरा इधर से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे लगा है देखो एक बेसिन हाथ वगैरह धोने के लिए, और सामने है टीवी, टीवी के साथ देखो लगा है राउटर। मैंने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगवाया है, क्योंकि जब से मैं वीडियो वगैरह बनाने लगा हूँ तो हमें इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने लगवाया है। और अब इंटरनेट का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड इंटरनेट चलते रहता है। और इधर की ओर रूम वगैरह है, फिलहाल चलते हैं किचन की ओर। यहाँ पे देखो बुक सेल्फ है जिसमें किताबें रखा है, और ये है किचन जो कि है मॉड्यूलर किचन। और इधर काम वाली बाई है, आई हुई है, बर्तन धुल रही है अभी। और ये है पूरा कबर्ड वगैरह, यहाँ अच्छे से लगा हुआ है। यह किचन की चिमनी भी है, यहाँ पर किचन चिमनी भी लगा हुआ है। इधर पे फ्रिज हो गया। एक काम वाली बाई, हाय तो बस
उधर आरो लगा हुआ है। अब चलते हैं किचन से बाहर। ये फिर से मैं हॉल पे आ गया, तो चलते हैं अभी रूम की ओर। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को तीन दरवाजे दिख रहे होंगे। एक वो दरवाजा है जो कि मास्टर बेडरूम है, उसके अंदर बाथरूम वगैरह अटैच है, और एक ये रूम है, और इसी रूम के सामने एक कॉमन बाथरूम है जो कि इंडियन टॉयलेट के साथ है। तो चलते हैं इस रूम में पहले। ये तो कुछ ऐसा है ये वाला रूम, देखो अभी खाली खाली है क्योंकि कोई बेड बेड उतना खास लगा नहीं है। इधर पे लगा है बेड, ये एक बेड लगा है और उसके ऊपर बाकी जो बिस्तर वगैरह ऐसे पड़े रहते हैं। अभी सब सेटअप करना पड़ेगा धीरे धीरे। ये एक बड़ा सा विंडो, बहुत बड़ा विंडो है ये वाला, और इस कोने से कुछ ऐसा दिखता है। तो चलते हैं इस बेडरूम से बाहर अब दूसरे बेडरूम की ओर। और ये सामने टॉयलेट है जो मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं इस रूम में। तो कुछ ऐसा है ये वाला रूम, ये देखो इस रूम पे मैं सोता हूँ अकेले, और इधर पे काफ़ी स्पेस है इस घर में वैसे, और उधर पे कबर्ड वगैरह लगा है, बीच में बड़ा सा बेड है, और ऊपर देखो रिमोट वाला फैन दोनों कमरों में मैंने लगा दिया है। और इधर पे है छोटा सा बालकनी, यहाँ पे वॉशिंग एरिया हम करने वाले हैं, वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगने वाला है कुछ दिनों बाद। और इधर छोटा सा स्पेस, इन्वर्टर वगैरह इधर लगा हुआ है। और चलो एक कबर्ड दिखाता हूँ, ये कबर्ड जो है ऊपर भी है और नीचे भी। ये कबर्ड बहुत गहरा है, मतलब 5 फीट से भी ज़्यादा गहरा है। ये देखो वो बहुत अंदर में है कपड़े वगैरह। और उसके पहले देखो इधर पे पूरा ट्रॉली वगैरह जो भी डब्बा उब्बा रखा है अनसिस्टमेटिक टाइप का, धीरे धीरे सब सिस्टमेटिक हो जाएगा। और इधर की ओर है वॉशरूम, पर वॉशरूम से पहले एक छोटा सा स्पेस है यहाँ पे भी। तो ये वाला स्पेस दिखाता हूँ अभी, दरवाजा खोल लेते हैं। ये बहुत बड़ा तो नहीं है पर है ये चेंजिंग रूम टाइप का एक। इधर पे ये अलमारी वगैरह लगा है, ये सब मैंने अनबॉक्स करके सेट कर दिया। ये सब दिखाना था पर हो गया, वीडियो के चक्कर में काम नहीं हो पाता। ऊपर बैग वगैरह है, और ये वॉशिंग मशीन रखा है यहाँ पर, उसके ऊपर जो कपड़े धुलने हैं वो। और ये अंदर बाथरूम है जो कि एक वेस्टर्न टॉयलेट है, ये वेस्टर्न टॉयलेट है ये वाला। चलते हैं अभी बाहर। अब ये बेडरूम फिर से देख लो कुछ ऐसा दिखता है, और बहुत बढ़िया घर है। वो देखो सामने मैं दिख रहा हूँ आईना में, और ये हॉल को देखो इधर से कुछ। बस ये टीवी गड़बड़ लग रहा है, बहुत छोटा सा दिख रहा है टीवी, बड़ा टीवी कर लेंगे कुछ टाइम बाद, अभी नहीं। और ये हॉल इधर से कुछ ऐसा दिखता है। और इधर पे मंदिर वगैरह फिलहाल टेम्परेरी हमने लगा के रखा है इधर पे, बाद में कहीं इसका जगह वगैरह चेंज कर देंगे धीरे धीरे। दिवाली का टाइम चल रहा है ना, इसलिए धुलाई पोछाई सब चल रहा है। थोड़ा साफ सफाई अच्छा से हो जाए तो साल में एक बार तो होते ही, दशहरा में भी करते हैं, लेकिन दीपावली में ज्यादा ही। और ऐसा है कुछ बाहर का नजारा देखो बालकनी से, कितना मस्त लग रहा है। और उधर पे पार्क है, तो ये है हमारी सोसाइटी का पार्क जो बिल्कुल बीचों बीच में है। देखो पार्क में मंदिर भी बना हुआ है, और इधर पे हम लोग का घर है, हम लोग के घर के ठीक सामने ही है ये पार्क। और देखो कितना हरा भरा जंगल जंगल सा है बढ़िया। और ये बच्चों को खेलने कूदने के लिए इधर कुछ बना है, और एक छोटा सा पॉट टाइप का है, इसमें शायद कमल का पौधा लगा है लेकिन फूल अभी नहीं खिला है। तो कुछ ऐसा है छत का नज़ारा, इधर से मैं आया हूँ, और देखो बड़ा सा छत है, बहुत बड़ा है। उधर पे देखो बॉक्स वगैरह दिख रहा है, अभी भी रखा है, वो सब अनबॉक्स करना है मुझे। अब देखता हूँ वीडियो बना के करता हूँ या पर्सनल। इधर पे एक रूम भी है, एक बाथरूम भी बना हुआ है। और ये रहा छत से बाहर का नज़ारा, ये पार्क है यहाँ पे बड़ा सा, उसका मंदिर हो गया, और इधर कॉलोनी पूरा बना हुआ है, और ऐसा ही इधर की ओर भी है। इधर वही लोग आते हैं जो इधर रहते हैं, बाकी लोग को गार्ड उधर ही रोक देता है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा नया ठिकाना, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे इस पर मैं एक जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, तब तक के लिए वेट करना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।